Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to study number 3, exercise of class 3. Working with words. Add not to the following sentences. You will have to change some of the words. यहाँ पे हमने यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमने नेगेटिव में चेंज करना है, नॉट लगाना है. तो जब हम कुछ सेंटेंसेस में नॉट लगाते हैं तो उसमें हमें फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करना होता है. ब्लैक ब्यूटी एट ग्रास. ओके, दिस इज पास्ट टेंस, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Black beauty did not, और जो एट की फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी, did not eat grass. The master went to the market. The master went to the market. The master did not, went is the second form of go, did not go to market. Okay, इसी तरह the calls like roughly, तो इसको हमने change करना है तो we will write did not like. ठीक है जी, द कोच डिड नॉट लाइक रफ प्ले. द मास्टर मूव्ड स्लोली, इसके भी हम लिख देंगे डिड नॉट, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ मूव्ड इज मूव. द मास्टर डिड नॉट मूव स्लोली. डिक हर्ड अ साउंड इन द बुशेस. डिक डिड नॉट हियर. First form of heard is hear. Dick did not hear a sound in the bushes. Dick spoke kindly to the horses. Spoke. Did not speak. Okay. Dick did not speak kindly to the horses. I hope you have got the idea. Learning about language pronouns. What is pronoun? A pronoun is a word which stands for a noun. A pronoun is a word which stands for a noun. Simple definition है इसकी. Pronoun वो word है जिसको हम noun की जगह पर use करते हैं. In the place of a noun, जैसे कि मैं कहती हूँ Ali and Ahmed get up early in the morning. Ali and Ahmed go for walk. Ali and Ahmed say their prayer. Ali and Ahmed take their breakfast. Ali and Ahmed go to school. और इसी तरह अगर मैं दूसरी तरह इसको बोलूँ, Ali and Ahmed get up early in the morning. They go for walk. They say their prayer. They take their breakfast. They go to school. अच्छा जी, आप अब इस चीज़ को का डिफरेंस नोट कर सकते हैं ना. फर्स्ट पैरा में मैंने अली एंड अहमद का नाम जो है वो अगेन एंड अगेन लिया है. ठीक है, जबकि सेकंड पैराग्राफ में मैंने अली एंड अहमद का नाम जो है वो सिर्फ फर्स्ट लाइन में बोला है, बाकी मैंने उनकी जगह क्या यूज़ किया है, उनके नेम्स की जगह पे दे. इसी तरह ये जो दे है, दिस इज़ प्रोनाउन, ये नाउन की जगह पर आ गया, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं. इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर मैं ये कहूँ हिना इज़ अ गुड गर्ल, हिना गोज टू स्कूल, हिना reads very beautifully, Hina plays with doll. ठीक है, तो
अगर हम इसको चेंज कर दें, इसकी जगह प्रोनाउन ले आए तो कैसे हो जाएगा? हिना इज अ गुड गर्ल, शी रीड्स वेरी ब्यूटीफुली, शी प्लेज विद डॉल। ओके, अब यहाँ पे हिना का नाम बार बार हिना 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 लेने की बजाय हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया? शी। ठीक है, तो अगर किसी मेल की या बॉय की बात हो रही है तो उसकी जगह हम ही लगाते हैं, गर्ल की बात हो तो शी लगाते हैं, और एक से ज़्यादा लोग हों तो हम दे लगाते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन इज अ वर्ड विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ही एट ब्लैक बेरीज। अब यहाँ पे देखिए जो ही इज़ अ प्रोनाउन, इट स्टैंड्स फॉर द नाउन डिक, ये डिक की जगह पर इस्तेमाल होता है। पिक आउट ऑल द प्रोनाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड वी हैव टू पिक द प्रोनाउन्स। आई एम अ हॉर्स एंड माय नेम इज ब्लैक ब्यूटी। प्रोनाउन इज आई एंड माय। दिस इज द फॉर्मर, ही इज कॉल्ड मिस्टर जॉन्स। ही इज द प्रोनाउन। ही गिव्स अस कैरेट एंड हे। He is a pronoun. We have a lot of horses in our field. We are, ये हमारे पास pronoun है। I like watching them gallop. I is a pronoun. Them is a pronoun. Okay, I hope you have got the idea. What are pronouns? Using the infinitive to. Infinitive to, यहाँ पे like verb होता है जिसको हम to के बाद लगाते हैं, और कि this thing in your mind की to के बाद हमेशा हम first form of verb लगाते हैं। I wish you to pay attention. यानी ये जो to के बाद verb है ना, इसको हम infinitive कहते हैं। I wish you to pay attention. What does she wish? She wishes for him to pay attention. Okay? Complete these sentences using to plus a verb. अब यहाँ पे हमें sentences दिए गए हैं but they are not complete. इसके बाद हमने to लगा के एक verb जो है वो add करना है। The boys were allowed to The boys were allowed to play. Nobody is permitted to come out. Nobody is permitted to come out. Rahim likes to eat ice cream. The builders wanted to build the house. We have always tried to win the match. I long to long का मीनिंग भी होता है विश करना। आई लॉन्ग टू विजिट द पार्क। ओके, इस पर हमने क्या किया? वी एड टू विद अ वर्ब। तो ये बात आप ज़हन में रखनी है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। ओके,